हेलो एवरीवन, मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ ना जो सोलर स्टॉर्म और इंटरनेट से रिलेटेड है। सोलर स्टॉर्म ना इंटरनेट को इतना इफेक्ट पहुंचा रहा है कि इन फ्यूचर हमें इतनी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा ना इंटरनेट को लेकर, कि इन सारे डिस्टर्बेंस को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करता हूं, और पहला जो सेक्शन है सोलर स्टॉर्म होता क्या है, दूसरा सेक्शन सोलर स्टॉर्म इंटरनेट को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, और तीसरा है हम सोलर स्टॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं। सोलर स्टॉर्म को CMES भी कहते हैं, यानी कोरोनल मास इजेक्शन, और इसका दूसरा नाम भी है सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। यह तब होता है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट और अनस्टेबल हो जाती है ना, और वो स्पेस में बहुत सारा एनर्जी को रिलीज करती है, तब सोलर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। सोलर स्टॉर्म 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है स्पेस में, और पता है वो बिलियन टन्स ऑफ प्लाज्मा और चार्ज पार्टिकल को कैरी करके चल सकता है। और एक फैक्ट इसके बारे में ये भी है कि ये ना अर्थ पर करीबन 18 आवर्स में पहुंच जाएगा, वो भी सन से। ये एक चीज पर डिपेंड करता है कि उसका स्पीड और डायरेक्शन किस तरफ है। सोलर स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सोलर साइकिल। सोलर साइकिल वो होता है ना जो 11 ईयर्स का पैटर्न को मेंटेन करता है सूरज की एक्टिविटी पर। और पता है जो सूरज की एक्टिविटी है वो सन स्पॉट फ्लेयर्स और CME की नंबर और साइज पर डिपेंड करता है। और पता है जो सूरज का जो करंट सोलर साइकिल 25 दिसंबर 2019 में जो शुरू हुआ था, और जुलाई 2025 में ये पिक पर पहुंच जाएगा सोलर स्टॉर्म का इंटेंसिटी। तो ये ना इंटरनेट को कई तरीकों से इफेक्ट पहुंचा सकता है, जैसा कि सैटेलाइट को डैमेज करना। सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेंसर को डैमेज कर सकता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि GPS, ब्रॉडबैंड और टेलीकम्युनिकेशन। इसमें से ये रिड्यूस या लॉस्ट सिग्नल, डाटा एरर या परमानेंट फेल्यूअर भी हो सकता है। पावर ग्रिड का ओवरलोड करना। सोलर स्टॉर्म पावर लाइन और ट्रांसफार्मर में मेन इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस भी कर सकता है, कॉजिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर सर्ज या ब्लैकआउट भी हो सकता है। इसमें से इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसकी जो पावर सप्लाई को भी इफेक्ट पहुंचा सकता है, जैसा कि डेटा सेंटर, राउटर, सर्वर और केबल्स में। ये रेडियो वेव को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सोलर स्टॉर्म ना अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को आयोनाइज भी करने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इससे ना वायरलेस कम्युनिकेशन जितने भी हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट के बीच का कनेक्शन या डिवाइसेस के बीच में जो वाईफाई या ब्लूटूथ या सेलुलर नेटवर्क यूजेस करते हैं उनमें कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। सोलर स्टॉर्म तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसे हम लोग प्रिवेंट या तो स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे मेजर स्टेप ले सकते हैं कि उसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए इंटरनेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे फर्स्ट पर है मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग। कुछ एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मॉनिटर करते हैं सूरज की एक्टिविटी और प्रोवाइड करते हैं हमें अलर्ट और वार्निंग पोटेंशियल सोलर स्टॉर्म के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, नासा सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सोर्स हमें इन्फॉर्म और प्रिपेयर्ड रखते हैं कि किसी भी सोलर इवेंट के लिए जो इफेक्ट कर सकता है इंटरनेट को। ये था आज का वीडियो। आई होप आपने कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा सोलर स्टॉर्म और इंटरनेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड ऑल्सो फील फ्री कमेंट बिलो और शेयर करें अपने थॉट्स या क्वेश्चन को इस टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।